बीते हफ्ते टेलीविजन की दुनिया में काफी कुछ चर्चा में रहा, जैसे गीता कपूर का सिंदूर तो दीपिका सिंह का साइक्लोन तोकते में डांस वीडियो। आइए डालते हैं बीते हफ्ते के कुछ मसालेदार खबरों पर एक नज़र। कुछ दिनों से जहां अनिरुद्ध भी आईसीयू में एडमिट थे कोविड की वजह से, वहीं वो रिकवर हो रहे हैं। अपने फैंस को थैंक यू कहते हुए अनिरुद्ध ने काफी इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया। हिना खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी बालकनी से खड़ी होकर अपने पापा की कब्र को रोज देखती हैं। ऋत्विक आशा के ब्रेकअप से जहां फैंस काफी शॉक थे, वहीं अब ब्रेकअप को लेकर ऋत्विक ने पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, लोगों के लिए दूर हो जाना आसान हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमें पहले ये बताया गया था कि अगर ग्लास टूट जाए तो उसे फेंकने के बजाय बनाया जा सकता है और मैं वही ओल्ड स्कूल वाले ख्याल का हूँ। माही अपने अडॉप्टेड बच्चों को लेकर आए दिन ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं और अब माही ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने कभी कोई लीगल अडॉप्शन खुशी और राजवीर के साथ नहीं किया, वो उनके केयरटेकर के बच्चे हैं और वो साथ में एक फैमिली की तरह रहते हैं। पूरी दुनिया जहां साइक्लोन तोकते से बेहाल परेशान थी, वहीं दीपिका बारिश का मजा ले रही थी। दीपिका सिंह ने एक डांस वीडियो शेयर किया था जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह ट्रोल हुई। बाद में दीपिका ने बयान दिया कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। गीता कपूर की कुछ पिक्चर्स काफी वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया था। फैंस को लगा गीता ने चोरी छिपे शादी कर ली। ये पिक्चर्स काफी वायरल होने के बाद गीता ने ये साफ किया कि ये उनके लुक के लिए था, वो बाद में शादी करेंगे सबको बताकर। करण कुंद्रा ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से कुछ वीडियोस शेयर किए, जिसमें साइक्लोन तोकते की वजह से सेट पर सब हवा में उड़ रहा था और सब आउटडोर शूट छोड़ अंदर भाग रहे थे। इतना भीड़ है ना, जरा बात भाग, अरे वो क्या उड़ रहा है। श्वेता के सपोर्ट में आए एक्स हस्बैंड राजा चौधरी, उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा, श्वेता एक बेहतरीन पत्नी और माँ है। उनकी दूसरी शादी भी फेल हो गई, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो एक बुरे इंसान है। श्वेता को ये समझना होगा कि एक कपल के तौर पर उनके और अभिनव के बीच में लाख समस्या हो, एक पिता अपने बेटा या बेटी को कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। बाकी उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। इंडियन आइडल काफी कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है और अब इंडियन आइडल के पहले विनर अभिजीत सावंत ने भी कई इल्जाम लगाए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत ने कहा, आजकल मेकर्स कंटेस्टेंट्स के टैलेंट में दिलचस्पी ना लेकर उनकी गरीबी में दिलचस्पी दिखाते हैं। उन्हें ये जानने में रुचि है कि कंटेस्टेंट जूते पॉलिश कर पाता है या नहीं, या वो कितना गरीब है और उसकी जिंदगी कितनी ट्रेजेडी से भरी हुई है। चारू असोपा बनने वाली है माँ। अपने फैंस के साथ पोस्ट शेयर कर चारू ने सुनाई ये खुशखबरी और बेबी बम के साथ पिक्चर्स की पोस्ट। वेल, क्या कहना है आपका इन खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।